हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी वाल्व क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है और सभी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेफ्टी वाल्व, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो बॉयलर में जब भी कभी अगर किसी कारणवश प्रेशर वर्किंग प्रेशर से एक्सीड कर जाए तो उस प्रेशर को ये सेफ्टी वाल्व रिलीज करता है। वरना क्या होगा, अगर वो प्रेशर रिलीज ना हो तो बॉयलर का ट्यूब डैमेज हो सकता है या तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो एक्सीडेंट ना हो इसीलिए हम लोग बॉयलर में सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं। नॉर्मली बॉयलर में 3 सेफ्टी वाल्व यूज किया जाता है, एक मेन स्टीम लाइन पर और 2 जो होता है वो बॉयलर ड्रम पर इंस्टॉल किया जाता है। तो सेफ्टी वाल्व एक ऐसा डिवाइस होता है कि जब कभी अगर बॉयलर में हमारा प्रेशर जो है वो वर्किंग प्रेशर से बढ़ जाए तो उस समय सेफ्टी वाल्व पॉपअप करता है, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम जो है वो वेंट हो जाता है और जो एक्सेस प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो सेफ्टी वाल्व फिर से बैठ जाता है। तो नॉर्मली जो ये सेफ्टी वाल्व होता है वो 4 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला जो है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, दूसरा है डेड वेट सेफ्टी वाल्व, तीसरा है लीवर सेफ्टी वाल्व और चौथा जो है वो हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व होता है। नॉर्मली जो बॉयलर में सेफ्टी वाल्व यूज किया जाता है वो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व ही यूज किया जाता है। तो इस स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका कौन कौन सा पार्ट्स है और सबका क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है। तो देखते हैं इसका सभी पार्ट्स को। तो इसमें जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कैप बोलते हैं, जो ये क्या करता है, ये पूरे स्पिंडल को कवर करके रखता है। कैप, कैप का मतलब ये होता है कुछ ऊपर से ढक के रखना। अब नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा है ये हैंडल टाइप का, ये होता है हैंड लीवर। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब इस सेफ्टी वाल्व को हम लोग को मैनुअली ऑपरेट करना होता है तो इस लीवर का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग एडजस्टर। इसी के द्वारा इस सेफ्टी वाल्व का सेट प्रेशर जो होता है वो सेटिंग किया जाता है। यहाँ पे एक लॉक नट होता है, जब भी इसका प्रेशर हम लोग सेट करते हैं तो इसी लॉक नट को हम लोग ऑपरेट करते हैं और फिर उसके बाद इस स्प्रिंग एडजस्टर को ऑपरेट करके सेफ्टी वाल्व के सेटिंग को सेट करते हैं। जब कभी इस सेफ्टी वाल्व का अगर सेट प्रेशर हमें बढ़ाना होता है तो उस समय हम लोग इसी स्प्रिंग एडजस्टर को टाइट करते हैं और जब कभी सेट प्रेशर को घटाना होता है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घुमाकर एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर बॉयलर का आपका सेट प्रेशर 100 केजी है, अगर आपको 105 केजी करना है तो उस समय क्या करेंगे, इस लॉक नट को हम लोग लूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, स्प्रिंग एडजस्टर जो है उसको हम लोग टाइट करेंगे ताकि जो स्प्रिंग के द्वारा जो कंप्रेशन मिल रहा वो ज़्यादा मिले, मतलब स्प्रिंग के द्वारा जो कंप्रेशन फोर्स मिल रहा इस डिस्क पे वो ज़्यादा मिले। तो जब कभी अगर हमें प्रेशर बढ़ाना होता है तो इसे हम टाइट करते हैं और जब कभी अगर हमें प्रेशर को कम करना होता है, अगर 100 केजी से 95 करना हो तो उस समय हम लोग इसे एंटी क्लॉक घुमाकर सेट प्रेशर को कम करते हैं। तो जो ये सेट प्रेशर कम या ज़्यादा होता है वो इसी लॉक नट और स्प्रिंग एडजस्टर के द्वारा होता है। अब जो ये आपको दिख रहा है इसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं, इसी के द्वारा डिस्क में कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो दिया जाता है ताकि जो है वो स्टीम के प्रेशर को अपोज करके रखे। अब ये जो स्प्रिंग जो है वो जहाँ पर फिट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग हाउसिंग या बोनेट। अब जो ये नीचे में आपको दिख रहा है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। बॉडी और स्प्रिंग हाउसिंग को एक नट के द्वारा टाइट करके दोनों साइड हम लोग फिट कर देते हैं। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग डिस्क कहते हैं, जहाँ पे इस स्प्रिंग के द्वारा कंप्रेशन फोर्स एक्ट किया रहता है ताकि जो डिस्क है वो इस स्टीम के प्रेशर को अपोज करके रखे, जब तक कि इस स्टीम का प्रेशर इस सेफ्टी वाल्व के सेट प्रेशर से ज़्यादा ना हो। अब ये जो डिस्क है जिस जगह पर सेट होता है, मतलब कि बैठता है, उसको हम लोग सीट बोलते हैं। अब ये सेफ्टी वाल्व जो है वो बॉयलर के स्टीम लाइन से जुड़ा होता है, इस तरह से स्टीम लाइन होता है और वहीं पर ये फिट होता है, जहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम लोग इनलेट पॉइंट बोलते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको आउटलेट बोलते हैं। यहीं से जो स्टीम है एक्सेस प्रेशर होने के बाद रिलीज होता है। तो ये हो गए इस सेफ्टी वाल्व के पार्ट्स और उसके फंक्शन। तो अब समझते हैं ये सेफ्टी वाल्व ऑपरेट कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ से स्टीम लाइन होता है और यहाँ पर इस सेफ्टी वाल्व में एक सेट पॉइंट दिया जाता है। मान लीजिए आपका सेफ्टी वाल्व का जो प्रेशर है वो 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और स्टीम का जो वर्किंग प्रेशर है वो 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सपोज अगर किसी कारणवश इस स्टीम लाइन का वर्किंग प्रेशर अगर इस सेफ्टी वाल्व के सेट प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर ये 100 है और ये इसका वर्किंग प्रेशर 90 केजी है, तो ये जो प्रेशर है वो जैसे ही 100 केजी पार करेगा तो ये सेफ्टी वाल्व क्या होगा, इसका जो डिस्क है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा स्टीम जो है वो इधर से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से बॉयलर का जो एक्सेस प्रेशर है वो सेफ्टी वाल्व के द्वारा रिलीज किया जाता है, और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो डिस्क जो है वो अपने सीट पर बैठ जाता है। बट होता क्या है कि जैसे ही इस स्टीम का प्रेशर इस सेट प्रेशर से ज़्यादा होता है तो ये जो डिस्क है वो पॉपअप होना स्टार्ट होता है, बट ये पूरी तरह से पॉपअप नहीं हो पाता है, जिससे यहाँ पे चैटरिंग की प्रक्रिया होती है। चैटरिंग क्या होता है कि जब कभी अगर ये स्टीम का प्रेशर सेट प्रेशर के पास पहुँचता है तो ये क्या होता है कि ये अपनी जगह पर पूरी तरह से ना खुल के वहीं पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने लगती है। तो ये चूँकि कंटिन्यूस होता है और इसके वजह से ये डिस्क डैमेज हो सकता है, तो ये ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस डिस्क में कुछ एक्स्ट्रा जगह प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब इस डिस्क की एरिया को हम लोग बढ़ा देते हैं, इसी को श्राउड कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, मतलब इस डिस्क का एरिया जितना बढ़ेगा तो फोर्स भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे ही प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इस डिस्क में फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा, जिसके वजह से ये डिस्क सडनली ओपन होगा और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल होगा वो अपने सीट पर बैठ जाएगा। तो इस तरह से इस डिस्क को श्राउड कर देने से ये सडनली ओपन होता है और क्लोज होता है, जिससे चैटरिंग की प्रक्रिया नहीं होती है और हमारा जो डिस्क होता है वो सेफ वर्क करता है। अब इस सेफ्टी वाल्व के टॉप में आपको एक नट दिखता होगा, तो इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब इस बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, उस समय हम लोग एक लॉक लगाकर इस नट को टाइट कर देते हैं, जिसको गैगिंग कहा जाता है। तो गैगिंग हो जाने के बाद अगर हाइड्रो टेस्ट के दौरान अगर बॉयलर का प्रेशर बढ़ भी जाए तो ये सेफ्टी वाल्व जो है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब कि पॉपअप नहीं होगा। और जैसे ही हाइड्रो टेस्ट हो जाता है और बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन में आता है तो उस समय हम लोग इस गैगिंग को हटा देते हैं, ताकि बॉयलर ऑपरेशन में इमरजेंसी के दौरान ये सेफ्टी वाल्व वर्क करे। तो ये रहा इस स्प्रिंग सेफ्टी वाल्व का कुछ बेसिक नॉलेज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।